एआईसीसी के द्वारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न समय पे मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त की गई राधिका खेड़ा जी ने मेरे ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। मेरी चरित्र हत्या का भी प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने यहां तक भी आरोप लगाया है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, जबकि मुझे जानने वाले व्यक्तिगत तौर पर यहां आप सब जो बैठे हैं, मैं 2000 से युवक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मीडिया के साथियों के साथ जुड़ा रहा हूं। तो इस बात को कोई नहीं मान सकता कि सुशील आनंद शुक्ला शराब पीता है, और मैं इस चीज को बड़ी गर्व के साथ, बड़े दावे के साथ बता सकता हूं कि मैं तो क्या, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कभी शराब नहीं पिया है। तो मेरे ऊपर यह आरोप जो लगाया गया कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था, मैं आप सबके सामने इसका खंडन करता हूं। उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को ताक पर रख के जाए, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत है, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी छोटी बहन के समान थी, लेकिन उन्होंने मर्यादाओं की सीमा को, अभद्रता की सीमा को, आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाजा ठोका, जबकि भारत जोड़ो यात्रा फरवरी में आई थी, संभवतः 11 या 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ आई थी। मैं रायगढ़ में शामिल हुआ था, शक्ति में शामिल हुआ था, उसके बाद हम और हमारे साथी सीधे चले गए थे अंबिकापुर में, उसके पहले बरपाली में, जहां दूसरे दिन माननीय जयराम रमेश जी की पत्रकार वार्ता होनी थी। हम लोग कोरबा में रुके ही नहीं थे, जहां पे मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उनको शराब ऑफर किया, उनका दरवाजा ठोका। खैर साथियों, उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मैंने, मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूं, हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया, केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने केबिन में जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब हमारे उनके बीच में हार्ट अटैक हुई थी, अपना वीडियो निकाल के मोबाइल बनाया था, जिसके बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगा आपको, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। मैं आप सबके माध्यम से यह उनको चुनौती देता हूं और मांग करता हूं कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे, उस कमरे में जो वीडियो हो, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे उनके बीच में बहस की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था, बमुश्किल से 1 मिनट का मामला था, उनके पास वीडियो है, उस वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक करने की धमकी अपने ट्वीट में भी की थी, और मैं आज बोलता हूं, चुनौती देता हूं कि उस धमकी को सार्वजनिक कर दें, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, मैंने अभद्रता किया था या नहीं किया था। पार्टी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान, राधिका जी के बयान, हमारे भी बयान माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं नोट किया था। उनको पता था कि वे गलत हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं। जैसे ही पार्टी का निर्णय आएगा उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए पहले से भाग खड़े हुए। यही नहीं, जांच करने वाले जिनको जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, माननीय दीपक बैद के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक बैद जी ने उनसे कहा कि शराब पीती हो, कितना पीती हो, कितना पैक पीती हो, कब कब पीती हो, मतलब हद होती है। आप आरोप लगाने की एक मर्यादा होनी चाहिए, ये क्या है, मतलब सारी सभ्यता, सारी शिष्टता की सीमा को उन्होंने पार कर दिया, और वो किसी भी हद तक जा सकती है, हमें पूरा भरोसा है। उनका यह कहना, मैं सिलसिलेवार पूरे घटनाक्रम को बता देता हूं, उनका यह कहना कि मैंने और मेरे साथियों ने उनको कमरे में बंद किया था, सरासर झूठ है। कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन खेड़ा का 1 मई को रायपुर आने का कार्यक्रम बना था। राधिका खेड़ा 30 मई को मेरे केबिन में आई, उस समय हमारे कक्ष में वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, नितिन भंसाली, मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज अहमद, दीपक पांडे उपस्थित थे। जब वे कमरे में आई तो मैंने उनसे बैठने को कहा, और अमूमन वो जब आती थी तो मेरे कमरे में सामने तरफ, आप सब लोग आते रहते हैं तो सोफा रखा हुआ है टीवी के नीचे, वहीं बैठती थी, वहां पे खाली था, वो वहां पे बैठी।
मैंने उनसे पूछा कि पवन खेड़ा जी का कल का ही कार्यक्रम है, लगभग 6 बजे आई थी, तो कार्यक्रम क्या है हम सबको बता दीजिए ताकि हम लोग उसकी तैयारी करें। तो उन्होंने बताया कि 11 बजे पवन जी आएंगे, उसके बाद विभिन्न मीडिया हाउसेस जाने का उनका कार्यक्रम था, 6 मीडिया हाउस जाने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि क्या इन मीडिया हाउसेस से आपकी बात हो गई है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी बात हो गई। मैंने बोला कि संपादकों से उनके प्रमुखों से भी बात कर ली आपने? बोले हाँ सबसे बात हो गई। तो मैंने आपत्ति दर्ज कराया कि आपने सीधे क्यों बात किया, पार्टी का एक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, इसके माध्यम से आपको बात करना चाहिए, कल आप चले जाएंगे उसके बाद तो इन लोगों के साथ संबंध तो हमको निभाना है, तो आपको हमारे माध्यम से बात करना था। यदि आप ऐसा करते तो ज्यादा उचित होता। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर क्या करना क्या मैं आपसे पूछ के करूंगी, मगर नहीं जब आपको खुद ही तय करना तो फिर मैं यहां इस पद पर क्यों बैठा हूं इस कुर्सी पर? आप पार्टी नेतृत्व से बोलते मुझे हटवा दीजिए, आप ही कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट चलाइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, मैं जो वस्तुस्थिति है आप बाईपास कर रहे हैं उसको बता रहा हूं। यदि ऐसा है तो आप मुझसे इस्तीफा ले लीजिए या यहां किसी और को बैठवा दीजिए, आप खुद ही संभालिए। इतना मेरे बोलने के साथ ही उन्होंने अपना वीडियो अपना मोबाइल निकाला, खड़े हो गई कुर्सी से, बोली क्या बोल रहे हो फिर से बताओ। तो मैं बोला आप हल्ला क्यों मचा रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम इस्तीफे की धमकी दे रहे हो, बताओ पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हो, उनके शब्द हैं। मैं बोला मैं इस्तीफे की धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपने जो किया है उसको बाईपास कर, ये उचित नहीं है। नहीं नहीं ऐसा करते, बहुत ज्यादा हाइपर हो गई, तेज तेज चिल्लाने लगी। इस दरमियान सारे स्टाफ सामने में, आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरिएट है, तो वहां पे 5 स्टाफ काम करते हैं, सारे के सारे लोग गेट के पास आ चुके थे, हल्ला कर रही थी, तेज तेज आवाज जा रही थी, मेरी आवाज भी लाउड थी। तो नितिन भंसाली या सुजन बदनौने से किसी एक ने जाकर दरवाजे के पास स्टाफ को चलो जाओ यहां के, और दरवाजे को जो वहां पे दरवाजा था, अमूमन वो दरवाजा वैसे भी हम लोग बंद रखते हैं, एसी चलती है, तो दरवाजे को काफी आवाज बन जाया करके दरवाजे को उठवाया। फिर उसके बाद वो चिल्लाना उनका जब, मतलब मैडम आप जाइए यहां से, मैं जा रहा हूं शिकायत करूंगी तुम्हें, मैं आपको जो करना हो कर लीजिए, आप जाइए। ये घटनाक्रम उस दिन का था। उसके बाद मैं जाके पार्टी नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया, वो नीचे गई, नीचे उन्होंने अपनी बातें रखी, वहां पर वीडियो बना, सार्वजनिक हुआ, ट्वीट किया, ये सारी चीजें उन्होंने सारी चीजें उसके बाद आप सबके सामने हैं। इसमें कुछ तथ्य जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारे द्वारा कोई भी गाली गलौज नहीं किया गया, न यह मेरा चरित्र है न मेरे संस्कार है। मेरे द्वारा शराब का असर करने का जो आरोप है, मैं समझता हूं बड़ी दृढ़ता से, आप सब मुझे वर्षों से जानते हैं, मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। या मैंने गाली गलौज किया होगा इसकी भी मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है जो आप सबके प्रति वर्षों से मेरा व्यवहार रहा है, यह आप सब स्वयं साबित करने के लिए पर्याप्त है। ये इस घटनाक्रम को करने की पटकथा उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस को छोड़ा था, उस दिन से व्यवस्थित थी। मुझसे स्वयं उन्होंने कहा था कि होटल मेरियट के नीचे कहा था, 30 तारीख की सुबह कहा था, जिस दिन 29 तारीख की समझौता खड़गे जी यहां आने वाले थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप लोग आयोजित किए थे मेरियट में, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन मुझसे कहा था कि हमारे इमीडिएट बॉस दिल्ली ने कांग्रेस छोड़ दिया है, और मैं बहुत ज्यादा ट्रस्टेड हूं सुशील जी। तो मैं बोला चलिए वो चले गए, उनका अलग रास्ता था, क्यों टेंशन ले रही है। फिर उसके बाद में उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़गे जी की कैंसिल हो गई थी। तो ये पटकथा उसी दिन तैयार हो गई थी जिस दिन अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़ा था, उस दिन से उनका मन मना लिया था, उन्होंने तो विक्टिम कार्ड खेला। सुशील आनंद शुक्ला को तो सिर्फ यूज करने की कोशिश की गई, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। देखिए जहां तक इसके मामले में है तो मैंने अपने अधिवक्ता से बात की है, और आज शाम तक कल सवेरे तक मैं इस मामले में मानहानि का नोटिस उनको भेज रहा हूं, क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा आहत हुआ हूं। मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, मेरी एक पारिवारिक प्रतिष्ठा है, मैं एक शिक्षित परिवार से आता हूं, और आप सबके आशीर्वाद से
मैंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी है, तो मुझे मैं बहुत ज्यादा अपमानित हुआ हूं और मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगा और उसका उनको जवाब देना होगा। आप किसी की भी चरित्र हत्या इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। आप अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए आपने मेरा मान मर्दन करने का प्रयास किया है, मैंने आपका सम्मान किया है। राजनीति में विमर्श होते हैं, राजनीति में वाद विवाद होते हैं, राजनीति में असहमति होती है, लेकिन सिर्फ लिंग भेद के आधार पर आप उस असहमति का इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं न पीछे हटने वाला हूं न भागने वाला हूं। मैं इस लड़ाई को ऊपर तक ले जाऊंगा और मैं इस लड़ाई में निश्चित तौर पर उनको मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। कभी राजनीति अपने साथ बैठ करके वहां पर देश बात करती थी, लेकिन अभी के जो इंडिया परिस्थिति आप नहीं जानते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आ रही है। पिछले 22-23 साल से कांग्रेस पार्टी में मैं विभिन्न पदों में रहकर के काम कर रही हूँ और कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का मान और सम्मान को ध्यान रखा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील शुक्ला जी के साथ जब मुख्य प्रवक्ता ने अभी अध्यक्ष के रूप में मैं पिछले 7-8 साल से काम कर रही हूँ। सुशील शुक्ला जी, हम सभी महिलाओं को अपनी छोटी बहन की तरह से मान और सम्मान मिलते हैं। जब भी कोई महिला सुशील शुक्ला जी के चैम्बर में आती है तो बहुत ही सम्मान के साथ आइए बहन जी करके उनको बुला करके स्थान देते हैं और हमारी बहने यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार भी हैं, उनको भी हमेशा आइए बहन जी करके संबोधित करते मैंने देखा। सुशील शुक्ला जी के जो बैकग्राउंड है उसको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानती हूँ। वे एक पति हैं और वही 3 पुत्रियों के भी पिता भी हैं, तो महिलाओं का सम्मान कैसे करना है वे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने सुशील शुक्ला जी को आज तक किसी के साथ किसी महिला के साथ अभद्रता करते हुए उनकी आवाज में बात करते नहीं देखा है। राधिका खेड़ा जी ने जो बयान है